दिल्ली की सड़कों पर मोदी के इंतहा पसंद गुंडों का राज है। मुसलमानों ने मस्जिद में छुपकर अपनी जानें बचाईं। दिल्ली फसादात में मुसलमानों के कई घर जल गए। मुस्लिम खवातीन आरजी पनागाहों में रहने पर मजबूर हैं। बरतानवी मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम खवातीन रो पड़ी। लगी पब्लिक की घर में घुस के हमारे सबके दुपट्टे कपड़े एकदम खींचने लगे। हम जैसे थे एकदम भाग दिए। हम लोग बाहर गली में खड़े थे, गाली वाली दे रहे, सियाराम बुलवा रहे, हमारा बहुत बुरा हाल कर दिया। हमारी मस्जिद जला दी, हमारे वहाँ सब कुछ जला दिया, हमारे घर सब लूट लिया। आज मैं वहाँ राशन लेने गई तो आज भी मेरे गले से दुपट्टा छीन लिया उन्होंने कि अब आओ अपनी आजादी लो। तुम आजादी ले रहे थे ना, आजादी लो, अब क्यों भाग रहा हो यहाँ से डर डर के। मुझे मेरे पैरों में जान नहीं थी, मैं वहाँ से किस तरीके से दस पंद्रह लोग हमारे घर में आए। बहुत से लोग हमारे खिड़कियाँ तोड़ने लगे, हमारे घर में इधर उधर लूट मार मचाने लगे। हम बता नहीं सकते हमारे साथ क्या होने जा रहा था। हम थोड़ी देर पीछे हुए, हमने अपने कमरे में हमने कुंडियाँ लगा ली, हमारे दरवाजे टूटने लगे। कह रहे थे आज हम इनको मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। फिर हमारे भाई जो लोग हमें बचाने आ गए थे। चचर पास बस बच्चों की कमाई में बस साथ मेहमान रहे, बता तुम किराए के मकान में जोड़ते जोड़ते 15 साल पैसा हो गए। बच्चे जमान शादी करने को तैयारी बता, मैंने इतने जोर के सब कुछ करो, मैंने ऐसे शादी करूंगी कहाँ जाए अब तुम बताओ। हमारे पास पैसा भी ना रहा, कुछ किराए मकान दे दो बिना पैसा से। हम लोगों ने मस्जिद पे रात बिताई है, अब हमारी जिंदगी क्या है हमें नहीं पता है। और जो हमारा नुकसान हुआ है ये इसकी भरपाई कौन करेगा? हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है? अब हम कभी वापस लौट के अपने घर जाएंगे कि नहीं?